हेलो एवरीवन, आज से हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें सी प्लस को आइडेंटिफाई करना पड़ा? हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और हम सब एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन वांट्स टू टॉक टू कंप्यूटर और ह्यूमन चाहता है कि वो कंप्यूटर से बात करे। इन दोनों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जीरो और वन की फॉर्म को जानता है, और इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीडेबल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके की लैंग्वेज को जानते हैं। अब यही हमें कंप्यूटर से जब कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए दोनों ही कंप्यूटर और ह्यूमन के लिए कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। उसी कॉमन लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सभी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस की, क्योंकि हम सी प्लस प्लस पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। बात करते हैं बजर्ने स्ट्रुप्स, ये एक डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी प्लस प्लस को डेवलप किया था 1979 में। जी, ये वही इंसान है जिनकी वजह से आज हम वीडियो बना रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? ये डेवलप करती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउजर्स, गेम और भी बहुत से, जैसे एप्स हो गए, इन सभी को हम जनरल पर्पस लैंग्वेज बोलते हैं। और इसीलिए सी प्लस प्लस भी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। और साथ ही साथ सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए जाते। अब बात करते हैं वाई लर्न सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस का मैंने पहले ही बताया कि सी प्लस प्लस जो है वो गेम को डेवलप करने में, एप्स बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ब्राउजर, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वहीं बात की जाए और भी बहुत से यूज़ हैं सी प्लस प्लस के। जैसे ये इजी हो जाता है हम अगर किसी अदर लैंग्वेज को पर स्विच करते हैं, जैसे जावा या पाइथन पे अगर हम स्विच करते हैं, अगर हमें सी प्लस प्लस आती है तो हम इजीली जावा और पाइथन को पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक और इसका मेन पर्पस है इसको पढ़ने का। सी प्लस प्लस हेल्प करती है हमें इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर एंड हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसे रिट्रीव करता है, इसकी लिए भी हम सी प्लस प्लस को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमें सी प्लस प्लस को सीखने के लिए क्या चाहिए। एक तो हमारे पास एडिटर होना चाहिए। एडिटर का मतलब क्या होता है? जहां पर हम अपने कोड को लिखते हैं उसे हम एडिटर कहते हैं, जैसे नोट पैड हुआ। वहीं हमें एक कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर का मतलब क्या होता है? जो हमारा लिखा हुआ कोड है उसको कंपाइल करना, यानी उसको रन करना कंपाइलर का काम होता है। कंप्यूटर के अंदर रन करना कंपाइलर का काम होता है। जैसे बात करें हम विजुअल स्टूडियो की, विजुअल स्टूडियो एक एडिटर है। उसके बाद हम उसमें एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद वो जो है कंपाइल करता है। तो विजुअल स्टूडियो जो है वो तो हमारा एडिटर है, लेकिन उसके अंदर जो हम कंपाइलर डालते हैं, जो एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा कंपाइलर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंटैक्स की, कि सी प्लस प्लस में सिंटैक्स क्या होता है। जैसे हैशटैग, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करो, यानी हम किसी चीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम डॉट एच। आईओ स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल कौन सी होती है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम दिल्ली से जम्मू जाना है तो हम एक ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, तो उस ट्रेन का कोई नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा? वो हेडर फाइल नेम कहलाएगा हमारा, और उसके अंदर कुछ डिब्बे होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? फंक्शंस कहलाएंगे जो हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे आईओ स्ट्रीम के अंदर इंक्लूड होता है काउट, COUT, काउट, यानी कि कंसोल आउट। वहीं बात करते हैं दूसरी हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। देखिए, ये एक फाइल हेडर फाइल है। इसके साथ साथ एक फाइल और होती है, इसके अंदर भी बहुत से फंक्शन इंक्लूड होते हैं। ये फाइल थोड़ा गलत लिखी है यहाँ पर, क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता। हम ज़्यादातर कोनियो का यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि एसटीडीओ जो है उसमें प्रिंट प्रिंट फंक्शन डिफाइन होता है, और प्रिंट फंक्शन हमारा सी में यूज़ किया जाता है, ना कि सी प्लस प्लस में। वहीं बात करते हैं हम कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच जो होती है हमारी फाइल, ये इसका पूरा मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट
हेडर फाइल, इसके अंदर गेट सी एच फंक्शन होता है। गेट सी एच फंक्शन का काम क्या होता है, वो फंक्शन को होल्ड करता है, फंक्शन के आउटपुट को होल्ड करता है। देखिए अब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ये वाला, और उसके बाद समझते हैं अच्छे से। आप चाहे तो MS ये टर्बो C++ यूज कर सकते हैं, या फिर विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। एस्टैक इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, एस्टैक इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन एंड नाउ वी आर यूजिंग काउट यानी कंसोल आउट। और यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, और हम यहाँ पर एंडल का यूज करेंगे। एंडल का मतलब होता है एंड द लाइन, यानी कि हम इस लाइन को यहीं पर एंड करते हैं, इसमें कोई और चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे या फिर कुछ और वर्ड हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें सेमी कॉलम यूज करना होता है, जिससे कि मतलब ये होता है हम टर्मिनेट कर रहे हैं इस लाइन को, हम यहीं पर टर्मिनेट कर रहे हैं। उसके बाद गेट सी एच, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शन के आउटपुट को होल्ड करना, मतलब प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड करना है, इसलिए गेट सी एच हमने लिखा। और फिर ये प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, पहले देखिए कोई एरर नहीं है, उसके बाद रन करते हैं। देखिए ये फंक्शन हमारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।